तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन करने वाले हैं ड्राइंग। और बता दूं, इसकी नोक बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसको थोड़ी ब्लंट कर देना शार्पनर के बाजू में, घस घस के घस घस के। अब ठीक है, अब बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन बनाने वाले हैं हाथ और पैर। तो ये बता दूं, ये तीन तरह के गोले रहते हैं, एक बड़ा, एक मीडियम और एक स्मॉल। जो अपना ऊपर है थाए वाला पार्ट, तो उधर सबसे पहले बड़ा बनाते हैं, फिर नीचे घिसते हैं, फिर मीडियम साइज लाते हैं। इधर अपन ने ऐसी कर्व किए हैं, एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम, क्योंकि तुम देखना अपने पैर में भी वैसे ही रहता है। अब ये मीडियम साइज का गोला बना दिए। अब इसके बाद अपन इधर से देखो, इधर से एक एकदम सीधा है और एक कर्व है। तुम अपना पैर देखो, एक तरफ हड्डी है पूरी एकदम सीधी, ठीक है ना। अब स्मॉल गोला बना दिया, अब वही अपना पैर बता दिया था ये। अब ये सही है, हाँ ये करेक्ट है। अब अगर तुमने सर्कल एक जैसे साइज के लिए और तुमने बराबर कर्व भी दिया, तो ये देखो तुम्हारा डायग्राम कितना सुंदर दिखता है। ऐसे कुछ बिल्कुल भी मत करना, मैं तो देखने वाला तुमको लाफा मारेगा वो सब, ठीक है। ये तो समझ गए तुम लोग। अब ये लेग हो गया, ठीक है ना। अब अपन हाथ पे आएंगे, 2.5 किलो का हाथ। अब जो हाथ है, इसमें भी तीन तरह के गोले यूज होते हैं, पर इसमें गोले थोड़े छोटे बनाना पड़ता है, क्योंकि अपने हाथ अपने पैरों से बहुत छोटे रहते हैं। अब जो अपन ये नीचे जो दो गोले के बीच का डिस्टेंस है, दोनों भी दो दो गोले, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब अपन शांति से, शांति वाला पोज ला के अपन शांति से सिखाएंगे। ये सही है हा? अब देखो, अगर तुमने गोले इक्वल लिए, फिर से देखो, या फिर छोटे बड़े आजू बाजू ले लिए, कितना सुंदर हाथ बनने वाला है तुम्हारा। इतना गंदा हाथ तो रोबोट वगैरह का भी नहीं रहता। मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी के आगे ऐसा मत बनाना लाफा मारेगा, क्योंकि किसी का हाथ सूजा नहीं है इधर। हाँ वो बात अलग है कि वो उसका हाथ फ्रैक्चर है, तो तुम ऐसा बना रहे हो, ऐसा मत बनाना। नहीं तो अब अपन दूसरी स्क्रीन में आते हैं और अपन बनाने वाले हैं फिर से एक लेग पर। ये इसका फ्रंट, फ्रंट जो साइड है। अब देखो, अगर तुम इसको ऐसी ऐसी जोड़ोगे, परफेक्ट जोड़ना पड़ता है। तुमने कैसे कर दिया, अब इसमें कैसा हो गया, इसमें अपन ने आड़ा तिरछा बनाया, तो ये बहुत गलत है। अब किसी का पैर डिसलोकेट हुआ है तो फिर वो बात अलग है। अब देखो, तीनों गोले बरोबर लाइन से अलाइंड है और बरोबर ऊपर से मोटा, नीचे से ऐसी पतला पतला करते हुए, और सेम ऐसा स्ट्रीम लाइन शेप जो रहता है ना वैसा। तो ये सही है, ऐसे बनाना एकदम तगड़ा बनता। अब ये तुमने हाथ तीनों सेम साइज के गोले लेके किए, तो ये तो ऐसा लग रहा है किसी चिमकांडे का हाथ है, माचिस की तीली लाके रख दी है और हाथ में ग्लव्स पहना दिए। अब अपन इज्जतदारी से ऐसे, अगर तुमने स्ट्रीमलाइन शेप बना के लिए, तो कतई जहर बनेगा तुम्हारा। देखो, इसको बोलते हैं करेक्ट डायग्राम, ऐसे बनाना। ये यानी तुम्हारा बेस है। तो तुमने अगर मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं बता दूं, जाओ देख लो। उसमें फेस सिखाया हो, इसमें हाथ पैर सिखाया हो, अब तुमको पूरी बॉडी सिखा दूंगा, फिर तुम प्रो हो जाओगे, फिर तुम मेरा नाम लेके बोलोगे हाँ मैंने सिखाया करके। हाँ तो फिर उसके लिए तो तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो तुमको नोटिफिकेशन कैसे आएगी। नोटिफिकेशन तो आएगी नहीं ना, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब करने के बाद घंटा तो दबाई नहीं। जब घंटी भी दबा दो, कतई तंग तंग होके तुमको बताएंगे। अब लाइक तो तुमने कर दिया होगा ना, करे हो कि नहीं। अच्छा नहीं किए, जाओ लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, मस्त कतई लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो सीखा यानी सीख सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, बाय बाय।